हेलो ऑल, आप में से काफी बच्चों की एक बहुत कॉमन सी कंफ्यूजन है कि सर मैं कुछ एग्जाम्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था और उन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और उनके जो पेपर हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं अगले 6 से 8 महीने में, और मैं एपीएससी को भी टारगेट करना चाहता हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आई है तो मुझे नहीं पता कि कब तक इसका एग्जाम होगा। अब मुझे कंफ्यूजन क्या है कि मैं कैसे अपने ऑलरेडी जो मैं एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहा हूँ उनकी प्रिपरेशन को मैनेज करूँ विद दी एपीएससी प्रिपरेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस है आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करना। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और दोनों ही एग्जाम्स को जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और एपीएससी को अच्छे तरीके से टारगेट करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पीवाईक्यूज आपकी सबसे मजबूत पिलर होते हैं प्रिपरेशन के, तो इनको अपने टेबल पर रखिए, इनको डाउनलोड कर लीजिए। एडुटेक आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑल दी पीवाईक्यूज 2002, 2004, 2012 और 2015 का पेपर, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए और इनको एनालिसिस के बाद अपनी प्रिपरेशन में यूज करिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारे पूरे सेशन का। दोस्तों देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो और कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे होते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एक लिस्ट बना लो कि आप कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे होंगे, जिनका प्राइम गोल, प्रायोरिटी गोल क्या होगा कि मुझे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। ठीक है, अब अगर वो ना निकला तो कुछ उन बच्चों का एक बैकअप प्लान होगा कि मैं स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम दे दूंगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप यूपी के हो तो यूपीएससी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस दे दोगे, अगर आप उत्तरांचल के हो तो यूके पीसीएस दे दोगे, अगर आप हिमाचल के हो तो एचपीएससी का एग्जाम दे दोगे। तो आप लोगों ने सबने यूपीएससी के साथ साथ एक बैकअप रखा हुआ है जनरली, जो कि यूपीएससी के सिलेबस से ही निकलता है। सिमिलरली, अगर आपको कोई और ऐसा एग्जाम मिले जिसका सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप करता है तो आप उसको भी टारगेट करना शुरू कर दोगे। तो इस तरीके से आप कुछ लिस्ट बना लेते हो कि भाई ये एग्जाम्स हैं और इनकी जो प्रिपरेशन है वो कॉमन है और मैं इनको टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप ये भी देखते हो कि किस तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप में से कुछ बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनका मेन गोल है यूपीएससी, यूपीएससी ना निकला तो एसएससी में चले जाएंगे, तो यहां पर कंप्लीमेंट किस तरीके से दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एसएससी की प्रिपरेशन में आपका जो क्यूआरई वाला पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपका जीएस वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अल्टीमेटली एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं दोनों एग्जाम्स और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती है। अब दोस्तों, क्योंकि एपीएससी भी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि सिर्फ एक रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लियर करके और एक इंटरव्यू क्लियर करके आप कमिश्नर पोस्ट पे पहुंच जाते हो, गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट पे पहुंचते हो लेवल 10 की और क्लास ए पोस्ट है, तो यहां पर इस एग्जाम को भी आप मिस नहीं करना चाहते हो। तो एक बार आपको करना क्या है कि आपको एपीएससी एग्जाम का जो सिलेबस है वो अपने टेबल पे रखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि एपीएससी आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के लिस्ट पर कहां फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगेन जब आप ऐसा चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से मैं एपीएससी को भी टारगेट कर सकता हूं अपनी ऑलरेडी करी हुई प्रिपरेशन से। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फिर हम एक पूरे प्लान्ड मैनर में, एक पूरे स्ट्रेटेजी वाले मैनर में इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और बात कि आप लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जिन एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल अगर दिसंबर में एसएससी का एग्जाम है, ठीक है, अगले साल मई में हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, तो उसको आप प्रायोरिटी में प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी एपीएससी की नोटिफिकेशन नहीं आई है, एग्जाम डेट हमारे पास नहीं है, तो हम अगर उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अभी सिलेबस कवर करके छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब हम एसएससी की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हमारी एपीएससी की प्रिपरेशन भी ऑलरेडी हो रही होगी, तो हम आउट ऑफ प्रिपरेशन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने अभी करना क्या है कि पहली बात तो एक टेबल पे लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्स आपने टारगेट करने हैं, और उस लिस्ट में प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एग्जाम कौन सा है, जिसके लिए आप बाकी एग्जाम्स को भी छोड़ सकते हैं या फिर जिसको आपने सबसे इंपॉर्टेंट माना है अपने कैरियर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। ठीक है, ये आपकी पहली एक कार्यवाही रहेगी। फिर मैंने आपको बोला कि आप लोगों को सिलेबस एनालाइज करना है, तो अगर आप मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और यूपीएससी के साथ साथ आप एपीएससी को भी टारगेट करना चाहते हो, तो आप लोगों ने सिलेबस के कॉमन पॉइंट्स और यूनिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। कॉमन पॉइंट से मतलब मेरा क्या है कि यहां पर आप वो कंपोनेंट्स लिखिए जो आप ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आपके एपीएससी में भी एज सच यूटिलाइज होने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत बुक आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप पॉलिटी प्रिपेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं, और किसी भी एग्जाम में जहां पर पॉलिटी कंपोनेंट आता है आपका वही नॉलेज एज सच यूटिलाइज हो जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इंडियन प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब मान लो प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है वो एसएससी के क्वेश्चन में आया,
या फिर एपीएससी के क्वेश्चन में आया या फिर किसी और एग्जाम के क्वेश्चन में भी आ गया, तो वहां पर आप अटेम्प्ट करोगे, आप ये नहीं कहोगे कि भाई मैंने तो लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए पढ़ी थी, यहाँ पर ये तो इसके काम नहीं आने वाली, ऐसा नहीं होता। एक सिंगल प्रिपरेशन हम करते हैं, एक कॉमन प्रिपरेशन हम करते हैं, और जहां पर भी वो यूटिलाइज हो रही होती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन कल्चर, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके कॉमन है यूपीएससी और एपीएससी में। मतलब जब आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट प्रिपेयर हो रहे होंगे फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। फिर कुछ कंपोनेंट अलग होते हैं जो कि जनरली मेंस एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो वो तो आप अभी भी नहीं पढ़ने वाले क्योंकि जनरली वो मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हम पढ़ते हैं। और कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो एपीएससी में आपको यूनिकली पढ़ने हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने इस तरीके से अपना एक चार्ट बना लिया कि कौन से टॉपिक कॉमन है, कौन से सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए यूनिक है, कौन से सब्जेक्ट एपीएससी के लिए यूनिक है, तो आप लोग एक स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि भाई ये टॉपिक जो है ये मुझे प्रिपेयर करने हैं स्पेसिफिकली, और ये मैं करूंगा प्रीलिम्स के बाद या फिर अभी कर सकता हूं इन कंपोनेंट्स को साइड में रख के थोड़ा सा। और आप एक इनके लिए भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि भाई ये कुछ जो कंपोनेंट है मुझे टारगेट करने हैं, और इनके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में, तो लगभग आपको अगर आप डेली 2 घंटे देते हैं तो आपको 15 दिन से 20 दिन लगने वाले हैं इसके लिए। सिमिलरली अगर आप स्टेट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 5 दिन में आप स्टेट प्रिपेयर कर लेंगे। आईआर एंड लेबर लॉ अगेन 2 घंटे, अगर आप 15 दिन पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश आप रेगुलर पढ़िए तो अगेन 2 घंटे आपके रेगुलर में सीजेट में भी हेल्प करेगा यूपीएससी में। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है, अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 5 दिन में इसके बेसिक आराम से कवर कर लेंगे। तो आप इस तरीके से अगर देखें तो नेक्स्ट 2 महीनों में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अगर आप डेली 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालते हैं तो आप लोग एपीएससी एग्जाम के लिए एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और फिर जब आप ये कंपोनेंट यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एपीएससी का कंपोनेंट भी प्रिपेयर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एपीएससी एग्जाम की अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो एक बार इन कंपोनेंट को प्रिपेयर करके छोड़ दो, ठीक है, भूल जाओ, एक बार प्रिपेयर कर लो, पढ़ तो लो, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल यूनिक है। तो आप जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद इनको पढ़ना शुरू करोगे तो आपका रिविजन होगा, आप लोग ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में अपने दिमाग में रख पाओ पड़ी होगी आपके, और वो आप बाद में सिर्फ रिवाइज करने वाले होंगे। लेकिन अगर आप उसी टाइम इसको पहली बार पढ़ने की सोच रहे होंगे तो दोस्तों एक तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल भी महसूस नहीं करेंगे। तो यही वो टाइम है अक्टूबर नवंबर का जब आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी का भी लोड कम है, ठीक है। अगर मान लो आप में से कोई बच्चा एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, आपको अगेन कैलेंडर पता होगा कि कब मेरा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अगर आपका एसएससी का प्रिपरेशन है तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस वाला कंपोनेंट होता है आपका एसएससी का, वहां पर आप कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, और ये कंपोनेंट तो आपके वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स और जनरल इंग्लिश। अब दोस्तों यहां पर दिक्कत क्या है एसएससी वाले बच्चों को कि आप इन कंपोनेंट्स को पढ़ते तो हो लेकिन जो ओरिएंटेशन रहती है वो फैक्चुअल ओरिएंटेशन ज्यादा रहती है, आप लोग फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हो, डेट्स पर ज्यादा ध्यान देते हो, नेम्स पर ज्यादा ध्यान देते हो। तो कोशिश क्या करनी है कि आप लोगों को अपनी ओरिएंटेशन में बदलाव करना पड़ेगा, बट वो अभी जरूरत नहीं है, अभी आप एक बार फैक्ट्स पे ध्यान दो, एक बार आप टॉपिक पढ़ लो, जो भी बुक आप फॉलो करो उसको पढ़ो एक बार। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम कवर होता है और एपीएससी एग्जाम की तैयारी आप डेडिकेटेडली करना शुरू करोगे तब आपको इनकी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो है वो आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं नहीं बोलूंगा, अगर मान लो आपका एग्जाम दिसंबर में है तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, 3 महीने का टाइम है एसएससी के लिए, तो अभी आप उसी को टारगेट करो, अभी आप मत छेड़ो उसकी प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो भी एटलीस्ट जो ये 3 कंपोनेंट है, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर और जनरल इंग्लिश, आपका 50 जो क्वेश्चन है आउट ऑफ 120 वो आप प्रिपेयर कर चुके होंगे फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन, 50 क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी से 2015 में 39 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर से भी हमारे 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे होंगे इवन आफ्टर डूइंग अ वेरी कंप्लीट एसएससी प्रिपरेशन, तब भी आप अच्छा पोर्शन जो है वो एपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर चुके होंगे। फिर जैसे ही वो खत्म होता है तब आप इसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी प्रायोरिटी आपने सेट करनी है, अगर मान लो किसी बच्चे का टॉप प्रायोरिटी एपीएससी है, टॉप प्रायोरिटी कि भाई मुझे एपीएससी देना है, मुझे कोई और एग्जाम नहीं देना है,
या फिर कोई एग्जाम जो सिलेबस सेम से निकलता है उसको मैं दे सकता हूँ, तो अगेन आप लोग पूरी डेडिकेशन के साथ उस एग्जाम की तैयारी करिए एपीएससी की। बट डेली मैं आपको कहूंगा कि 2 घंटे एटलीस्ट निकाल लीजिए उस एग्जामिनेशन के लिए भी जो आप दूसरा प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि लगभग एग्जामिनेशन अगर मैं देखूं, यूपीएससी की बात करूं, एपीएससी की बात करूं, तो 80% सिलेबस हमारा ओवरलैप करता है। ठीक है, बहुत अच्छा पोर्शन है 80% जो ओवरलैप कर रहा है। मतलब इसके लिए आप ऐसा नहीं कि सेपरेट सेपरेट प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक सिंगल प्रिपरेशन कर रहे हो और दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि मैं जो तैयारी करूं वो ऐसी तैयारी करूं कि दोनों को ही टारगेट कर लूं, प्लस डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लूं ताकि मैं जो कंपोनेंट यूनिक है दोनों ही एग्जामिनेशन में उनको भी प्रिपेयर कर लूं। तो आप लोगों के लिए मेरी एक सलाह यह है कि अक्टूबर नवंबर, क्योंकि त्योहारों का समय है, यूपीएससी का एग्जाम मई में है, ठीक है, एसएससी का एग्जाम भले ही दिसंबर में, तो आप उसको फोकस करिए, लेकिन जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो अभी अपना जो फोकस है थोड़ा सा एपीएससी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट होने तक। 2 महीने में आपका जो यूनिक पोर्शन वाला सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद आप वापस यूपीएससी वाले ट्रैक पे आ जाओ, इन कंपोनेंट्स को पढ़ना शुरू कर लो, और जब आप इन कंपोनेंट्स को पढ़ रहे होंगे तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे और एपीएससी की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप मेरी ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, अब कैसे प्रोसीड करना है, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द टॉप प्रायोरिटी एग्जाम। अगर आपका टॉप प्रायोरिटी एग्जाम एसएससी है उसको प्रिपेयर करते रहिए, अगर आपका टॉप प्रायोरिटी एग्जाम यूपीएससी है उसको प्रिपेयर करते रहिए, अगर कोई और टॉप प्रायोरिटी एग्जाम है उसको प्रिपेयर करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का टॉप प्रायोरिटी एग्जाम से भी है, नबार्ड है, आरबीआई है, तो भी आप उसको प्रिपेयर करते रहे, लेकिन अगेन सिलेबस की ओवरलैपिंग देख लो, क्योंकि उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई कौन सा एरिया कॉमन है, कौन सा एरिया यूनिक है। ठीक है, जस्ट मैनेज 2 आवर्स एक्स्ट्रा पर डे फॉर द यूनिक कंपोनेंट, यूनिक कंपोनेंट के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा, एंड डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन। दोस्तों एपीएससी एग्जाम टफ होता है, मॉडरेट से टफ लेवल का होता है, इजी नहीं होता है। अगर आप लोग सोचो कि 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन में हम एपीएससी फोड़ देंगे, नहीं भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ मिलने वाला है, यहाँ पे काफी अच्छे बच्चे आप लोगों से कम्पीट करने वाले हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट डालने पड़ेंगे और वो एफर्ट का राइट टाइम यही है। ठीक है, और प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, जो भी कंपोनेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए इंडियन हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी एपीएससी में भी ऐसा यूटिलाइज होगी, तो ये आपका एक अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले आपको एपीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि काफी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है एपीएससी के रिगार्डिंग, तो आप लोग नेट पे सर्च करना बंद करिए, एक वर्कशॉप मैं कंडक्ट करता हूं, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपना स्पॉट अभी बुक करिए, क्योंकि सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं रिगार्डिंग द एपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमने 3 कोर्स लॉन्च किए हैं, एक है मास्टर पैक जहां पर आपको कंप्लीट कवरेज करवा रहे हैं एपीएससी के सिलेबस की वीडियोस, हैंडआउट एंड क्विजेस की फॉर्म में, एक टेसरीज प्लस है जहां पर जो यूपीएससी स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जीएस कंपोनेंट है, उनके क्विज है 8000+ एमसीक्यूज की फॉर्म में, प्लस जो अकाउंटेंसी ऑडिटिंग है, आईआर लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी, इनका हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, एंड एक है टेसरीज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक करना मत भूलिएगा और अपनी प्रिपरेशन को अभी से इन कोर्सेज के थ्रू पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो hello@edutech.co.in पर मेल करना मत भूलें और 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।